पहले मैंने डिडक्शन का वीडियो बना दिया था, देख सकते हैं। अभी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, मतलब कुछ इनकम जो बाहर से आता है, तो किसी पे टैक्स लगता है, किसी पे टैक्स नहीं लगता। अभी जो मैंने लिखा है सब पे टैक्स लगेगा, राइट। तो ये टैक्सेबल है, मतलब इसका अमाउंट शो करना है, ऐड करना है। तो क्या दिया सबसे पहला, एक सेकेंड ना, तो सबसे पहला दिया इंडियन इनकम, जो भी इंडियन इनकम है उसके ऊपर टैक्स देने का, मतलब इंडिया का इनकम जो भी है उसके ऊपर टैक्स देना है। डिविडेंड आया वेदर फ्रॉम इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी और फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोई भी कंपनी का डिविडेंड आया सब क्या है, टैक्सेबल है, टैक्स लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया, इनकम फ्रॉम LIC म्यूचुअल फंड UTI, ये भी टैक्सेबल है। रॉयल्टी मिला वो भी टैक्सेबल है। कोई भी इंटरेस्ट आया टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्राइवेट लोन, फिक्स डिपॉजिट, टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड आया तो एग्जाम्प्ट, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्रेटरीज टैक्सेबल है। रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट वो भी टैक्सेबल। लॉटरी से, जुआ से, मतलब वो क्रॉस वर्ल्ड है ना, आजकल तुम लोग वो खेलते ना माय सर्कल, गांगुली बोलता है घर पे कार लेके आएगा, मतलब वो IPL में टीम उसमें अगर करोड़ रुपये जीता तो भी टैक्स देने का तुमको, ठीक है, 30%। ऑनरेरियम सर्विस वो भी टैक्सेबल है। जैसे ऑनरेरियम का मतलब होता है कि जैसे BDA कोऑपरेटिव सोसाइटी का मालिक है, राइट, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड है ना BDA, तो वो क्या करता है, वो मेंटेनेंस नहीं पे करता, उसके बाद उसको सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी को बोलते हैं ऑनरेरियम, ओके। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 1,00,000 लिमिट, मतलब दोस्त लोग से आया तो 50,000 लिमिट है, घर वाले से आया तो 1,00,000 लिमिट है, 50,000 से कम माफ है, 50,000 से ज़्यादा टैक्सेबल है। मशीनरी को भाड़े पे दिया वो टैक्सेबल है। कोई कंपनी का डायरेक्टर है उधर से फीस आ रहा वो भी टैक्सेबल है, ठीक है। और पेंशन आ रहा कमिटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का टैक्सेबल है। शेयर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्सेबल है। अगर कोई स्कूल में तुम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ऐसे क्या बोलते हैं उसको सुपरवाइज़र, तो उसका इनकम आया वो भी टैक्सेबल है। तो ये सब कौन सा इनकम पड़े हमने, टैक्सेबल, जिस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। ये सब टैक्सेबल वाला हो गया, जिस पर टैक्स ले, ये सब आया तो आपको टैक्सेबल वाला रहेगा, राइट। और जो एग्जाम्ट वाला है जिसपे मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, छोटा छोटा इसके लिए बना रहा हूँ ताकि डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, राइट, एनी 5 टैक्सेबल इनकम, तो इसमें तो कोई भी 5 नाम डाल देने का ना यार। ये टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा उसको डैश मार देने का रहता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।